बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक फ्रेंड्स विद अनदर न्यू वीडियो। मैं हूं मोहम्मद अमदा और आप देख रहे हैं मोहम्मद अमदा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे पीछे माशाल्लाह से यह जानवर नज़र आ रहा है, यह है मेरा कुर्बानी 2022 का जानवर। तो मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना इसकी मुकम्मल प्रोग्रेस की वीडियो शेयर की जाए, जो और मुकम्मल इसकी डेली रूटीन शेयर की जाए। पहले तो इससे पहले तो मैंने इसकी कोई वीडियो नहीं बनाई। तकरीबन ये मेरे पास 2.5 माह से ये मेरे पास आया हुआ है। तकरीबन 20 फरवरी वाले दिन ये मेरे पास आया था और आज तकरीबन 13 मई है। आप खुद ही हिसाब लगा ले, तकरीबन इसको मेरे पास आए हुए 25 to 80 डेज, तकरीबन 3 माह होने वाले हैं। तो इसकी तकरीबन 2.5 माह की जो प्रोग्रेस है उसकी मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ सबसे पहले मुकम्मल वीडियो शेयर करूँगा। इसी वीडियो में मैं आपको इसकी मुकम्मल जो मेरे पास 2.5 माह की प्रोग्रेस रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला इसकी डेली बेसिस पर वीडियो बनाया करेंगे, इसकी डेली रूटीन की जो ये खाता है। इंशाल्लाह ताला इसकी मैं जो है ना मुकम्मल सुबह से लेकर शाम तक की इसका जो भी प्रोग्रेस होती है, जो भी मुझे इसका काम करना होता है, मुकम्मल डेली रूटीन की मैं वीडियो बनाऊँगा आपके साथ। इसकी मॉर्निंग वॉक की वीडियो बनाऊँगा। तो जैसे जैसे ए तक मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ इसकी जो है ना मुकम्मल प्रोग्रेस की वीडियोस बनाकर शेयर करता रहूँगा। उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर अभी तक किसी भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स भी मिलती रहे। इसके अलावा हमारा फेसबुक पर चैनल फेसबुक पर पेज भी है, आप जाकर हमारा पेज भी लाइक कर दें, फॉलो कर दें, ताकि आप अगर फेसबुक पर हमारी वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पर भी आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब पर भी आपको हमारी मुकम्मल वीडियोस जो है ना टाइम पे मिलती रही। इस वक्त इसका ज़रा स्लीपिंग का टाइम है। मैंने इसका आप इसको मेरे पीछे आपको इसका ज़रा कूलर नज़र आ रहा है, इसका मैंने कूलर बंद किया हुआ है ताकि मैं ज़रा वीडियो बना लूँ, क्योंकि कूलर की आवाज़ काफ़ी दे रहा है, तो फिर वीडियो में जो है ना साउंड की प्रॉब्लम आ जानी थी। तो ज़रा इसका स्लीपिंग का टाइम है, मैं ऐसे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो जो है ना स्टार्ट करता हूँ। आपको इसकी मेरे पास जो तकरीबन 2.5 माह की प्रोग्रेस रही है वो मैं आपको आपके साथ इसकी जो है ना वो मुकम्मल वीडियो शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके पहले दिन की वीडियो से। ये उस वक्त की वीडियो है जब मैंने खुद इसको पहली मरतबा देखा था। तो आप सोच रहे होंगे कि ये बस के नीचे क्या कर रहा है, लोग तो मंडी से जानवर लाते हैं और हम बस में से बस जानवर उतार रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं अपने जानवर को लाड़ीडा से रिसीव करने गया था, क्योंकि हमें लाहौर बकरा मंडी से कोई अच्छा जानवर नहीं मिल रहा था। इसी वजह से मेरे वालिद साहब ने सोचा कि तलागंग बकरा मंडी जाया जाए, जो कि जुम्मा वाले दिन लगती है। तो वहाँ से उन्होंने हमें लेकर ये कार्गो करवा दिया था लाहौर के लिए। तो फिर मैं और मेरा बड़ा भाई जो है, हमने इसको लाहौर लाड़ी अड्डा से रिसीव किया। ये उस वक्त की सबसे पहली इसकी वीडियो है। इसके बाद हम इसको गढ़ लाए। इसके बाद गढ़ लाने के बाद इसकी ये सबसे पहली वीडियो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ से आपको इसकी थोड़ा सा जिसामर का भी अंदाज़ा हो गया होगा। नेक्स्ट फ्रेंड, आप इस वक्त सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त इसके ऊपर क्यों हार घुमा रहा हूँ, या फिर हार घुमाने का क्या मकसद हो सकता है। तो दोस्तों, मैं इसकी नज़र उतार रहा था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हर बंदे को जो बंदा शौकीन होता है जानवर अपने पास लेकर आता है, उसको यही टेंशन होती है कि जिस वक्त मैं अपने जानवर को अपने पास ले आऊँ वो जल्द से जल्द चुगाली करना शुरू हो जाए, क्योंकि यही जानवर की तंदुरुस्ती की निशानी होती है और अच्छी तरह से चारा खाए। फ्रेंड्स, इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हो ये तकरीबन 2 से 3 मार्च की है, जिस वक्त हमने इसकी कटिंग करवा दी थी। ये जब आया था इससे तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद ही हमने इसकी जो है वो कटिंग करा दी थी, क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया था। तो माशाल्लाह से आपने वीडियो में देखा होगा कि ये नमक भी बड़े शौक से खा रहा है। ये जानवरों के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन दोस्तों के पास जानवर है कुर्बानी के, उन्हें चाहिए कि वो अपने जानवरों के पास नमक लाजमी रखे। तो फ्रेंड्स, इस वक्त आप जो वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तकरीबन 2 मार्च की है, और मेरे बड़े भाई अहमद भाई जो है इसको प्यार वगैरह कर रहे हैं। उस वक्त मैंने सोचा था कि चलो इसकी थोड़ी सी वीडियो भी बना लेता हूँ। तो इस वीडियो से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि माशाल्लाह से इसकी हेल्थ किस तरह की है, क्योंकि जिस वक्त ये हमारे पास आया था उससे तकरीबन 13 से 14 दिन बाद की प्रोग्रेस की वीडियो इस वक्त आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो माशाल्लाह से आप इस वक्त देख रहे हैं कि अमर भाई इसको हार्ड के साथ हल्का हल्का मसाज भी कर रहे हैं, जिससे इसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। जैसा कि आप सबके इलम में होगा कि इस साल पाकिस्तान में गर्मी का सीज़न, लाहौर में तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी गर्मी स्टार्ट हो गई थी आम रूटीन से, तकरीबन मार्च के शुरू में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। तो ये इस वक्त आप जो वीडियो देख रहे हैं ये 5 अप्रैल की है, जिस वक्त हमने इसका कूलर
पानी के साथ हमने चला दिया था और ये आराम से बैठकर कूलर के आगे रेस्ट कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो इसी तरह हम हर साल अपने जानवरों को जो है ना कूलर लगा के रखते हैं ताकि उन्हें गर्मी दरासी भी महसूस ना हो। इस वक्त आप जो वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तकरीबन 10 अप्रैल की है, जिस वक्त अहमद भाई सुबह सुबह इसको मॉर्निंग वॉक करवा रहे हैं। और आप इसकी शरारतें भी देख सकते हैं कि इसने सुबह सुबह हमारी थोड़ी सी दौड़ भी लगवा दी है। और जानवर को थोड़ा सा भगाना भी चाहिए, इससे जानवर की टांगें भी ठीक रहती है और जानवर भी खुश रहता है, क्योंकि सारा दिन हमारे पास ये घर में सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे के बाद हम इसको बाहर चक्कर लगवाने के लिए लेकर जाते हैं, अक्सर सुबह का टाइम लेकर जाते हैं फजर की नमाज के बाद, क्योंकि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा रश नहीं होता, कुछ लोग भी बाहर नहीं होते, सड़कें रोड खाली खाली होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो सुबह की जो ताज़ा हवा है वो हम इंसान के लिए भी बहुत अच्छी है और जानवर के लिए भी अच्छी है, लिहाजा मॉर्निंग वॉक सबको ही करनी चाहिए, बेशक वो जानवर हो या इंसान हो। आपको चाहिए कि जिन जिन दोस्तों के पास कुर्बानी के जानवर है या फिर वैसे ही किसी ने शौक के लिए घर में रखे हुए हैं, अक्सर दोस्त जो है वो रात को जानवर को बाहर लेकर जाते हैं। रात को हमारे लिहाज से तो नहीं लेकर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सुबह टाइम जानवर को मॉर्निंग वॉक करवाएगा तो उससे आपका जानवर भी तंदुरुस्त रहेगा और आपकी हेल्थ भी बिल्कुल 100% ओके रहेगी। इस वक्त हम इसकी मैं जो आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ये भी 10 अप्रैल की ही है, उस वक्त हम वापसी इसको घर में ला रहे थे जिस वक्त मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। यहाँ से आपको इसकी उस वक्त की दिसंबर का अंदाज़ा हो जाएगा। तो माशाल्लाह से दोस्तों ये जो वीडियो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हो ये इसकी माशाल्लाह से बिल्कुल फ्रेश वीडियो है। आज तकरीबन 13 मई है जिस वक्त ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो बिल्कुल फ्रेश है, ये मैंने 10 मई वाले दिन बनाई थी। और इस वीडियो में माशाल्लाह से मैं आपको इसकी मुकम्मल जो है इसकी बैक भी दिखा रहा हूँ, तो इस वीडियो से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि माशाल्लाह से इसने हमारे पास माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी प्रोग्रेस की है, कितनी अच्छी ग्रोथ की है, कितने अच्छा इसने अपने खुद में चेंज किया है। माशाल्लाह से जिस वक्त ये हमारे पास आया था इसके बाल भी काफ़ी ज़्यादा रफ थे और इसमें जो है ना इतनी शाइन भी नहीं थी, अभी आहिस्ता आहिस्ता इसमें शाइन भी आना शुरू हो गई है। और बकाया मैं हाथ रख के भी आपको दिखा रहा हूँ कि माशाल्लाह से इसकी जिसमर किस तरह की है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि माशाल्लाह से ये जानवर अब इस किस वेट में चला गया है। बाकी माशाल्लाह से इसकी मैंने चिक्की के भी आपको पीछे से सारी वीडियो बना के दिखा रही है। इस वक्त जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे वीडियो चल रही है ये भी आज ही की बनाई हुई फ्रेश वीडियो है 13 मई की, जिस वक्त ये डस्ट कर रहा था तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी फ्रेश वीडियो भी बना ली जाए इसकी जो जिस वक्त ये डस्ट वगैरह कर रहा हो, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि ये जानवर के लिए कूलर लगाना कितना ज़रूरी है। आज तकरीबन 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है लाहौर में और आप वीडियो में देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ये गर्मी महसूस नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की इसकी डाइमा की प्रोग्रेस की वीडियो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको आपके साथ इसकी मुकम्मल डेली रूटीन डेली वीकली प्रोग्रेस और खुराक की वीडियोज़ भी इंशाल्लाह ताला मुकम्मल शेयर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।